हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम रोज चैनल। इस वीडियो में आपको एक फ्लैट ब्रश के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी कमाल का है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी कलम के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको एक फ्लैट 7 नंबर की, ये इसको ब्रश बोलते हैं, कलम भी कहते हैं, तो 7 नंबर की कलम है ये। ये यहाँ से फ्लैट होती है और ये देखिए, तो इसके जो पैसा होता है वो नंबर के हिसाब से लिया जाता है। 9 रुपये नंबर है, 10 रुपये नंबर है, यानी कि ये 7 रुपये की, तो 10 के हिसाब से 70 रुपये हो जाएगी इसके। तो नंबरों के हिसाब से मिलती है ये पे वाली कलम। इसके बाल बहुत कमाल के होते हैं, देखिए आपको, और इसके अंदर राइटिंग लिखने का। अब ये जो ब्रश है इसको रखने का तरीका कैसा है, क्या है, इसके ऊपर क्या होता है, ग्रीस लगा के आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके ऊपर ग्रीस लगाया जाता है ताकि ये आराम से सॉफ्ट भी रहे, और इसके जो पॉइंट है, बालों के जो पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट। ये जो बाल है सब बराबर है तो इसको पॉइंट बोलते हैं। तो जब नाम लिखा जाता है, तो जब प्लानिंग करी जाती है और कोना बनाया जाता है, तो इस पॉइंट से ही कोना बनता है सबसे अच्छा वाला। तो ये उसके लिए है। मेरे पास में ये दो तरह की है, दो है, सेम है वैसे। इसमें 6 नंबर भी आते हैं, अलग अलग नंबर भी आते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का, लंबे बाल होते हैं और जब लिखा जाता है तब इसके बाल इस तरह से मुड़ जाते हैं। पॉइंट बनाने के लिए ये सबसे किसी भी नाम के ऊपर सेट देने के लिए काफ़ी अच्छी कलम होती है। तो फ्लैट कलम होती है 7 नंबर, अलग अलग नंबर की जैसे आपकी चाहिए। लंबे बालों वाली कलम बोलते हैं इसको, लंबे बालों वाला ब्रश, और नंबर के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। कंपनी है ये, कौन सी है जाना है, ये देखिए, और जो पहले वाला जो मैंने ब्रश बताया था वो काफ़ी पतला होता है, गोल होता है, वो भी फ्लैट हो जाता है, लेकिन उसके यहाँ पे गोली होती है, तो उसको फ्लैट भी लिख सकते हैं अपन, और बारीक उसी से लिखा जाएगा और इससे थोड़े से मोटे होंगे अक्सर। लेकिन ये सबसे कमाल की ब्रश है, और इसको ट्यूब कलर्स के साथ में भी काम में ले सकते हैं, वाटर कलर के काम में भी ले सकते हैं, लेकिन वाटर कलम की कलम होती है वो अलग होती है, कभी कभी यूज़ कर लेते हैं हम। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस ब्रश के बारे में बताना था, पिछले वाले वीडियो में नहीं बना पाया था मैं। और इसके बाल सबसे एक जैसे हैं, कभी भी क्या होता ना, कुछ लोग इसको यूँ काटने की कोशिश करते हैं, एक सीधा करने की, तो ब्रश इतना चलता नहीं है, इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, और इसके बाल निकलते भी नहीं हैं ब्रश के, बाकी जो लोकल वाला होगा उसके बाल तुरंत निकलने लग जाएंगे, और कभी निकले भी तो यहाँ आप एक कील लगा सकते हो और इसको यहाँ से प्रेस कर सकते हो, बहुत कम चांस में निकलेंगे। और इसको साफ़ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साफ़ करोगे इसको, पूरा साफ़ करिए आप एकदम साफ, और उसके बाद में ग्रीस लगा कर इसको इस तरह से डिब्बे में रख दीजिए। इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से रखोगे ये इस तरह से ख़राब हो जाएगा, इसके पॉइंट टूट जाएंगे। तो हमेशा ब्रश को अगर किसी भी डिब्बे में रख रहे हो तो आप इसको इस तरह से रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नए नए जो पेंटिंग करते हैं उनको पता नहीं होता है कि ब्रश को कैसे रखा जाए, और वो कभी इस तरह से डाल देते हैं, कभी इस तरह से। तो इन दो जो भी लंबे वाले ब्रश हैं उनका विशेष ध्यान रखें, महंगे भी आते हैं और
आपको ये छोटे टाउन में नहीं मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इस तरह के ब्रश आपको मिलेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह की पेंटिंग के बारे में इस तरह की जानकारी बहुत कम होती है नेट पे। और ये भी दिखाई देता हूँ, ये देखिए इसके ऊपर ये रबड़ लगा हुआ है, मैंने इसके ऊपर टेप लगा दिया। देखिए मिलेगा तब इस तरह पैकिंग मिलेगा खुलने के बाद में, ये है इसकी कंडीशन। तो इसके ऊपर ग्रीस लगाया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और काफ़ी अच्छा ब्रश है ये, पकड़ोगे थे इस तरह से और फिर काम करोगे थे ये। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिए।